तो इससे पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा था, हमने पूरे घर का मेकओवर किया था। ये हमारा बेडरूम है, अभी पूरा देखिए पेंट इसमें हो चुका है और सूख भी चुका है, तो मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें पहले भी ऑलरेडी पिंक पेंट भी, सिर्फ जो पीछे वाली दीवार है ना वो हमने येलो की है, डार्क येलो भी नहीं बोल सकते, मतलब इसको ऑरेंज कलर की है ये। और तो यहाँ पे मुझे वो जब हमने गाड़ी ली थी ना उस वाली पिक दिख गई, पिक क्या ये फ्रेम करवाई थी उस टाइम की, वो कर गाड़ी वाले खुद ही करके देते हैं, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो पीछे पीछे हमारी सफाई नहीं हुई थी तो बस सफाई आज कर रही हैं। और ये पेंट के डिब्बे में कार्ड मिला है, मतलब इसमें क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसको स्कैन करना होता है, जो उसमें बार कोड है ना उसको स्कैन करके पता चलता है। मैं देख रही थी कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ इस तरह का है, हालांकि ये देखा तो है नहीं, लेकिन पेंट के डिब्बे में ही नाम मिला है, वही वैसा बोल सकते हैं। तो बस सुबह सुबह ही हम यहाँ पे इसको साफ़ कर रहे हैं, पहले तो इसको अच्छे से धो लिया, फिर उसके बाद इसमें मॉपिंग भी की, ऊपर से फेरना पड़ा क्योंकि ये सूखेगा नहीं, बाहर पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। दोनों रूम है, एक मेरा रूम और मेरी जेठानी का रूम, साथ में पिताजी का रूम भी साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी पूरी सेटिंग करने को है, अंदर तो पूरा रूम खाली साफ़ हो गया। उसके बाद अभी पति देव ड्यूटी जाएंगे तो उनका टाइम भी हो गया है, तो वो बस तैयार हो रहे थे और तैयार होके अभी निकल भी गए हैं। तो सुबह सुबह ही हमने सारे काम निपटाए ना, उसके बाद लेट हो गए थे ऑलरेडी, जैसे उनको निकलना था 11 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ पे उनको 1 बजे के आसपास टाइम हो गया था, तो लेट हो गए थे काफ़ी। तो मैं भी पीछे से आ गई हूँ, मैंने कहा मैं भी तब तक पानी ले आती हूँ नीचे से, तो बस यहाँ से टाटा बाय बाय हो रही है अभी। चलिए अभी आपका मैं स्वागत कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे हो दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह से हम फिर से सफाई में लगे थे, अभी मुझे नहाना धोना है, मैं नहाई धोई नहीं हूँ। तो अभी पतिदेव जा चुके हैं, वो चले गए उधर रोड पे, मैं आई थी पानी लेने, मैंने कहा पानी भी ले आती हूँ तब तक नीचे से, और फिर चलेंगे हम ऊपर। अभी सफाई हमारी पूरी नहीं हुई है, सफाई तो हो गई है लेकिन बेड वगैरह भी अंदर लग गए हैं, फोल्डिंग बेड अब लगाए हैं, और बाकी रह गया है जैसे और सब सामान सेट करने को रह गया, कपड़े वगैरह दूसरे रूम में पूरी ढेर लगा के रखा है वो रह गया है, तो सोचा वो पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा है कि थोड़ी खुद को भी मतलब आराम रेस्ट करने को हो जाता है ना, कि थोड़ा टाइम फिर रेस्ट करने के लिए भी मिल जाता है, ऐसे नहीं मिल पाता रेस्ट के लिए भी टाइम। दीदी आज लेट हो गई जाने के, वैसे तो उनको 11 बजे तक निकल जाना था, फिर ऐसा है कि जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे रेस्ट हो, जब से आए हैं वो उनको भी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है, फुल है पूरा पूरा दिन भर लगे रहे। तो चलिए ये है कि अब अच्छा लग रहा है, अब रूम में भी जाओगे तब भी अच्छा लगेगा, अंदर जाके ऐसे वो उखड़ी हुई दीवारें दिखती तो मन खुद का भी खराब हो जाता था। तो चलिए अब चलूंगी मैं ऊपर, और दोपहर का 1 बज गया है, अभी चलूंगी ऊपर और अभी चल के जितना थोड़ा बहुत काम है उसको करूंगी, अभी शिवा का भी रह गया था नहलाना, उसको भी नहलाऊंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी थोड़ी देर में। तो नीचे फर्श तो साफ हो गया था, उसके बाद मैं बेड वगैरह यहाँ पे लगा रही हूँ, बेडशीट मैंने पहले बिछा दी है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बिछा था, पिछले दिन हम यहाँ पे नहीं सोए थे, ऊपर हॉल में सोए थे, क्योंकि यहाँ पे पूरा फैला हुआ था, नीचे वो सिर्फ हमारा पेंट ही हुआ था, दो रूम को हमने पिछले और रहे हैं। शुभी शुभी और शिवा के लिए पार्लर, नेल पार्लर, नेल पार्लर में, लेकिन ये पेंट और ये क्या काम कर रहा है? ये इसीलिए ये यहाँ, और ये तो आईलाइनर है, ये आईलाइनर इसीलिए क्योंकि मेरा ब्लैक कलर नहीं मिल रहा। अरे सुन लो, मेरे पास ना ब्लैक कलर नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने ये एक्सपायर्ड है आईलाइनर है, तो फिर मैंने ये क्ले यूज किया नेल्स बनाने के लिए, और ये भी नेल्स बनाने के लिए, और एक सीजर रही है वो मैं ले आऊंगी, और एक चेयर रही है आगे कस्टमर्स के लिए। तो इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, पूरा रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया है जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, उसके बाद मैं आ गई थी, ये शाम का टाइम हो गया है और मैंने कहा अभी मैं नहा लेती हूँ, तो मैं कर रही हूँ हमाम में पानी गर्म। हमारे यहाँ पे ना जैसे बाहर हमाम रखा होता है, तो जो भी लकड़ी होती है या वेस्ट जो भी होती है लकड़ी या फिर कागज़ के टुकड़े वगैरह, तो उनको बीच में ऐसा है कि जला सकती हैं इजीली, तो इसको जलाने के लिए नीचे से इसमें कागज़ जला के नीचे से आग लगानी पड़ती है, और फिर ऊपर कुछ कागज़ वगैरह अंदर डाल दो, मैं दिखाऊंगी आपको नज़दीक से भी इसको, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ, बाकी जो गांव में हो से होंगे मैक्सिमम उनको पता होगा जैसे हमाम क्या होता है और कैसे हमने रखा होता है बाहर। तो
बस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसको। आजकल तो बहुत इजीली जल जाता है, लेकिन बरसात में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इसको जलाना। देखिए तो यहाँ से आग जल रही है और वहाँ से ऊपर धुआं, चिमनी के लिए छोटा सा इसमें पाइप दी हुई है, वहाँ से इसका धुआं निकल जाता है ऊपर। तो इसमें पानी ज़्यादा गर्म होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए पानी मेरा गर्म हो चुका है, तो पानी जब गर्म हो जाए तो उसको निकालने के लिए एक साइड में दिया है हमने। क्या किया ना, उस पर कपड़ा बांध के रखा है ताकि कूड़ा इकट्ठा, कूड़ा वाला जो भी पानी हो वो ऊपर इकट्ठा हो जाए और नीचे हमें साफ़ पानी मिले। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी अब भी आपको। देखिए यहाँ से पानी डालेंगे और आगे इसमें पाइप होती है, वहाँ से इससे पानी निकल जाता है। तो इसमें हार्डली कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है 10-15 मिनट में ये बहुत गर्म हो जाता है पानी। तो ये भी है शाम का ही टाइम और नहाने के बाद चाट हम खा रहे हैं, क्योंकि सुबह चने की दाल बनी थी तो ज़्यादा बना दिए थे। चाट देखो नहा के निकली अभी अभी, चाट बनाई मेरी जेठानी, मैंने कहा इसको खा लेते हैं पहले। मैं पा लूँ तो और सामान बेड वगैरह तो लग गए थे, लेकिन जो टेबल वगैरह थे ना वो बाहर थे। तो ये जेठानी के रूम का टेबल है तो इनको रख लेते हैं, मैंने कहा अंदर। और बाकी यहाँ पे जो बेड बॉक्स निकाले थे ना, एक कमेंट में पढ़ रही थी कि इनको फिर से आप अंदर रख देना। तो अंदर तो मैं नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ पे फिर से फंगस लगेगी, हमारे वाले रूम में सीलन रहती है तो फिर से फंगस लगेगी और फिर से वही हाल होगा। तो इसीलिए उन बेड बॉक्स को बाहर निकाल दिया है, अभी वो अंदर नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि पता ही आपको, अगर लकड़ी सड़ जाती है और उसमें फंगस लग जाती है ब्लैक, तो वो फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं होती है। और काफ़ी टाइम उनको हो गया पूरा अंदर से वो ख़राब हो चुके हैं और प्लाई भी उनकी बिल्कुल एकदम से ख़राब हो गया। तो मैं लकड़ी का सामान ज़्यादा रखना ही नहीं चाहती अपने रूम में, तो ये टेबल जेठानी के रूम में था वे रख दिया। और यहाँ पे शिवा भी अभी चाट खा रहा है। उसके बाद देखिए अभी मेरे रूम की बारी है। मेरे रूम में भी टेबल लगा था, ये ज़्यादा भारी नहीं था तो मैंने इसको दूसरे रूम में रखा था ये, तो उसको मैंने ऐसे ही रगड़ के ले आई। मैंने कहा इसको भी मैं लगा लेती हूँ। ये जैसे कुछ सामान बैग वगैरह होते तो उसके ऊपर आ जाता है। अड़ो 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 साइड, ये क्यों रख रहे हो, ले रहे हो, ये नहीं लो बच्चे, इधर रहने दो उसको। वो क्या है मामा? वो मामू है, पापा है, मम्मा है, दादा है। तो उसके बाद यहाँ पर कर्टन वगैरह भी निकाले थे। कर्टन जब निकाले थे तो पूरे इनको मैंने कहा धो देते हैं, क्योंकि कर्टन ऐसी चीज है जो एक एक साल के बाद ही धुलती है। तो फिर वो भी हमने धो दिए थे। और ये जो आप देख रहे हो ना, मैं साइड में कर रही हूँ, ये ऐसी लाइट है जिसे चलते हैं ना, सेंसर वाली है जिसे, तो ये खुद ही जल जाती है। आजा आजा बिस्तर में लेट जा, लेटो लेटो लेटो। शिवा देखो यहाँ बस सोया, ये देखो जरा इसको, चलो लेटो लेटो लेटो, बिस्तर में लेट जाओ। हमारे यहाँ पे अभी भी ठंड है, आगे पास कहाँ सोएगा, हम आगे बिस्तर निकाल दिया। ओहो लग गई चोट, सुबी ने इसको चोट लगा दी। देखो दिखाओ आंख के पास कहाँ लगी शिवा को, आंखें निकाल दी थी बच्चे की तो। दिखाओ इधर, ओ माय गॉड, कैसी लगाई ये? झांसी की रानी कौन बना था? नहीं झांसी की रानी नहीं, वो बना था कुछ और। कौन? सुबी दीदी क्या बनी थी? कुछ और बना था मैं। आप क्या बने थे? कुछ और। कुछ और तो नाम तो बताओ, क्या बने थे? कुछ और बना था। कुछ और क्या बना था? झांसी की रानी। कुछ झांसी की रानी तो सुबी दीदी बनी थी। तो सुबी बस मम्मा नहीं, इससे नहीं होता कुछ भी। मम्मा अपने हाथों में भी लगाती है। लो 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 लगा लो हाथ में, हाथ में लगा लो, हाथ करो, हाथ हाथ करो ऐसे बस बस बस। ये वाली मेरी वही दीवार है जो पूरी उखड़ी हुई थी और ये बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी, लेकिन अभी इतना अच्छी लग रही है ना। हालांकि पीछे जो प्लास्टर है वो उखड़ा हुआ है, मतलब वैसा नहीं है जैसा तो नहीं है अभी। पानी वो बोलो।
आपने पहुंच दी फिर से? क्यों पहुंची बच्चे? प्लेन वाला दीवार है, अब अच्छा लग रहा है हमारा दीवार, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।